Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This is Kashish and in today's video, we are going to talk about the 5 or 6 must-have bags, essential bags that every girl should have in their collection or closet. Also, a disclaimer, I want to tell you that these bags I have collected over the years and they are not, I am not here to just show off something. I am here just to help you out if you want to like buy something and what you should look in a bag. It's just I feel ki हर लड़की के पास एक ऐसे ऐसे बैग्स होने चाहिए हर ओकेजन के लिए, क्योंकि लड़कियों की लाइफ में बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं एंड वी नीड डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट ओकेजन्स. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ वीडियो. बैग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज लाइक माई गो टू बैग. कि अगर मेरे को कुछ समझ नहीं आता और मेरे को बस कहीं भी रैंडमली कहीं भी जाना होता है तो आई कैरी दिस बैग राइट हियर. दिस इज अ हैंड बैग एंड अ स्लिंग बैग, 2-in-1 बैग है ये एंड दिस इज फ्रॉम मिनी. सो मेरी फ्रेंड ने मुझे ये गिफ्ट किया था और इसका लिंक अगर मुझे मिल गया तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगी, नहीं तो मैंने सेम बैग यूनिक्लो पे भी देखा है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, तो डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट आउट. सो टॉकिंग अबाउट द बैग, दिस इज अ वेरी पेस्टल पिंक कलर का बैग एंड इट्स अ स्लिंग बैग ऑल्सो एंड इट्स अ हैंड बैग ऑल्सो. ये स्ट्रैप यहाँ पे ऐसे हुक के साथ दिया हुआ है, अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो ये हैंड बैग बन जाएगा, बट आई कैरी इट दिस वे बिकॉज ज़्यादा फीजिबल होता है ऐसे कैरी करना. एंड दिस कम्स विद अ गोल्डन चेन डिटेलिंग एंड अंदर काफ़ी स्पेस है, बहुत सारा सामान आ जाता है. मैं इसमें अपना पावर बैंक, अपने सनग्लासेस, अपना वॉलेट सब कुछ डाल के इसमें ठूस के ले जाती हूँ एंड आई कैरी इट ऑल अराउंड. सो दिस इज माई गो टू बैग एंड एवरी डे स्लिंग बैग. लाइक ऐसा कुछ एवरी डे के लिए ज़रूर होना चाहिए आपके क्लॉजेट में. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बैग इज अ फेनी पैक आई हैव एंड दिस इज द फेनी पैक. ये मैंने सरोजनी नगर से लिया था जस्ट फॉर आई थिंक 350 रुपीज मे बी, आई डोंट इवन रिमेंबर. काफ़ी साल हो गए इस बैग को भी एंड ये वाइट कलर का है और इसमें यहाँ पे एक इसमें भी यहाँ गोल्डन चेन डिटेलिंग है और इसमें भी थोड़ा स्पेस है. इसमें मेरा वॉलेट और मेरी 2-3 चीज़ें और आ जाती हैं. लाइक छोटू है पर सामान आ जाता है. ट्रैवलिंग के टाइम पे बहुत काम आती है ऐसे फैनी पैक्स. और इसका लिंक तो मेरे पास ऑब्वियसली नहीं है तो मैं ऐसे ही और ऑप्शंस का आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. इसमें यहाँ पे एक गोल्डन चेन डिटेलिंग है और ये ब्लैक स्ट्रैप है यहाँ पे. इसको मैं छोटा बड़ा इसके हिसाब से ऐसे कर सकती हूँ. इसका लुक बहुत अच्छा आता है, आई कैरी इट इन फ्रंट और बहुत अच्छा लुक आता है और बहुत सामान भी आ जाता है इसमें. सो अ फेनी पैक फॉर ट्रैवलिंग और फॉर गोइंग एनीवेयर टू जस्ट टू एलिवेट योर लुक इज अ रियली नाइस थिंग टू हैव. सो आई बिलीव एक फेनी पैक तो सबके पास होना ही चाहिए. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज अ क्लासिक ब्लैक बैग विच एवरी गर्ल शुड हैव जस्ट बिकॉज कि हर जगह काम आ जाता है. कि आपके पास कुछ समझ नहीं आ रहा है, जस्ट टेक अ ब्लैक बैग एंड इट गोज विद एवरी थिंग. सो दिस इज द बैग आई हैव. मैं इसको मतलब जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता मेरी हर ड्रेस के साथ चल जाता है ये, हर कपड़े के साथ चल जाता है ये. मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर से मंगाया था. इसमें ये एक ऐसे स्ट्रैप आता है यहाँ पे, ये प्लास्टिक का है, ये मेटल का है एंड दिस इज द लुक. और ये बहुत क्लासी लगता है मुझे तो. इसका ये गोल्डन बक हाफ मून शेप का बैग है एंड इसका लुक भी बड़ा अच्छा आता है कैरी करने के टाइम पे. और इसमें एक लाइक ओपन कंपार्टमेंट है, इसमें काफ़ी सामान आ जाता है मेरा. सो आई रियली लाइक दिस वन एंड दिस ऑल्सो लुक्स वेरी क्लासी. यू कैन गो विद लाइक किसी भी आउटफिट के साथ ये बहुत अच्छा लगता है. नेक्स्ट आई हैव दिस बैग राइट हियर. ये तो मेरा लेटेस्ट परचेज है ही, आप लोगों ने मेरे कमलानगर हॉल में देखा भी होगा. एक पेस्टल और ब्राउन कलर का बैग एवरी गर्ल शुड हैव क्योंकि ये विंटर्स में विंटर पैलेट में बहुत अच्छे से सूट होता है. एंड दिस ऑल्सो अगेन विद द ब्लैक बैग, जैसे ब्लैक बैग हर आउटफिट के साथ चल जाएगा, दिस बैग ऑल्सो आई थिंक कैन गो विद एवरी आउटफिट. एंड इसमें ना बहुत यहाँ पे अच्छा सा प्रिंट है एज यू कैन सी. एंड इसको मैं ओपन करूँगी तो इसमें यहाँ पे एक चेन है बीच में, 2 कंपार्टमेंट्स हैं एंड अभी तो इसमें लाइक कचरा वचरा जो भी इसका आया था वो पड़ा है. बट दिस इज ऑल्सो क्वाइट स्पेशियस. आई हैवंट टेकन इट अराउंड येट बट आई एम प्लानिंग सून टू टेक इट आउट एंड दिस इज अ रियली स्टेटमेंट पीस गाइज. बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे बैग्स मुझे. सो आई थिंक ऐसा ब्राउन बैग, ऐसा पेस्टल बैग और ऐसा ब्लैक बैग, ऐसे बैग्स तो आपके कलेक्शन में होने ही चाहिए. नेक्स्ट आई हैव अ हैंडमेड मैक्रमे बैग एंड आई वॉज लाइक मतलब जब मैंने ये देखा आई फेल इन लव विद इट. मैंने ये उदयपुर से लिया था एंड दिस इज सो प्रिटी एंड
इसका प्राइस इज सो लाइक सो मिनिमल, ये सिर्फ 350 rupees का, यू गाइज कैन नॉट बिलीव। और ये आपके सारे एथनिक आउटफिट्स के साथ एंड इवन वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसको अगर आप पास से देखो, ये सारा हैंडमेड वर्क है एंड यहाँ पे ये टैसल्स है जिनको हम कॉम करके सीधा भी कर सकते हैं, सो दैट्स अ गुड थिंग। एंड दिस इज लाइक अ रियली क्यूट एंड नाइस बैग टू हैव इन योर क्लोज़ेट। So last but not the least, I have for you guys is a party bag, and you guys know which bag I'm talking about. So this is the sling bag I got, and ये भी मैंने सरोजनी नगर से लिया था for something around 700 rupees, and इसमें ये बहुत लंबा मेटल का चेन आता है और ये एंड इन ऐसे पर्ल्स पे होता है जो कि बहुत सुंदर लगते हैं। एंड ये कुछ इस तरह ओपन होता है, इसमें अभी वही कचरा भरा हुआ है क्योंकि मैं यूज़ करके वापस इसको लाइक उसकी शेप इंटैक्ट रहे, बट दिस इज़ द बैग राइट हियर। इसमें काफ़ी सामान आ जाएगा, फ़ोन और छोटा मोटा लिपस्टिक्स एंड आपके वॉलेट वगैरह तो आ ही जाता है आराम से। एंड आई जस्ट लव दिस बैग, इसको कैरी करना इसको सो गुड, मतलब कैरी करने के साथ ही ना ऐसे कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाते हैं कि यार वाओ लाइक दिस इज समथिंग। आई जस्ट लव दिस बैग एंड दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पार्टी बैग। इस बैग्स में बहुत सारे डिजाइन आते हैं आजकल लाइक इस पैटर्न में, ये जो यहाँ पे ऐसे स्टोन्स जो भी लगे हुए हैं ये दिस इज द लाइक बहुत चला हुआ है ये, सो यू शुड गेट वन ऑफ दीज फॉर श्योर लाइक पार्टी बैग। एंड इसको इवन मैं शादी वगैरह में भी कैरी कर सकती हूँ बिकॉज इट्स हैज दैट ब्लिंग। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि मोस्ट एसेंशियल बैग्स में तो एक टोट बैग भी जरूर होना है, बट आई एम नॉट अ टोट बैग पर्सन। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी किसी टोट बैग में इन्वेस्ट किया ही नहीं, आई एम मोर ऑफ अ बैक पैक पर्सन स्टिल टिल नाउ। अगर मुझे आगे लाइफ में कभी लगेगा कि हाँ मुझे टोट बैग में इन्वेस्ट करना चाहिए, आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइक जो ऐसे स्ट्रक्चर्ड टोट बैग्स आते हैं उनमें इन्वेस्ट करने का, बिकॉज आई रियली काइंड ऑफ लाइक पैटर्न एंड ऑल। बट मैंने कभी ऐसे लाइक हैंड बैग्स एंड प्रॉपर टोट बैग्स में इन्वेस्ट करने का नहीं सोचा बिकॉज आई लव टू कैरी बैक पैक में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। एंड कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको सबसे अच्छा बैग कौन सा लगा और आपके पास कौन सा बैग है या आप कौन से बैग में इन्वेस्ट करना चाहोगे। सो आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो, अंटिल देन स्टे सेफ एंड बी हैप्पी, बाय बाय।